नमस्कार, मैं हूं विशाली प्रसाद आप लोगों के साथ और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज मैं आप लोगों को उन स्कैम के बारे में बताने वाली हूं, उन स्कैम जिनके चलते लोग काफ़ी ही फंस चुके हैं। जी हाँ जी, हम लोग आज बात करने वाले हैं OTP नंबर एंड आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के नंबर और मैसेजेस के बारे में। याद रखनी है आपको ये चीज़ कि कभी भी बैंक आपका OTP नंबर या फ़ोन नंबर या अकाउंट नंबर कभी नहीं मांगता है, क्योंकि बैंक के पास आपकी डिटेल्स ऑलरेडी आपके बैंक में जो है वो सबमिट होती है। तो कभी भी कोई बैंक आपको ये चीज़ें कभी नहीं मांगेगा। अगर आपको ऐसे कॉल या मैसेज आते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल फेक है। अब आपने ये देखा होगा कि अब बच्चों के लिए बहुत सारे ऐप खुल गए हैं कि गेम खेलो और पैसे जीतो। आपको बता दें कि ये गेम में ऐसा है कि आपको शुरू में तो ये आपको पैसे दे देंगे, चाहे वो पैसे की रकम कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद जब आप खेलना उसको चालू कर देते हैं, उसमें से एक भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके अकाउंट में जो नंबर है, जो पेमेंट है, जो आपके पैसे हैं, वो सारे नंबर और मैसेजेस और आपके जितने भी उस पर रकम है वो सब उड़ा दिए जाएंगे। इसलिए आपको इस तरह के स्कैम से बिल्कुल बच के और दूरी बना के रहना है। और साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि आपको हमेशा अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पासवर्ड हर 3 महीने पे 4 महीने पे आपको बदलते रहना है। चाहे वो आपको फेसबुक पासवर्ड हो, इंस्टा पासवर्ड हो, ट्विटर पासवर्ड हो या व्हाट्सएप पासवर्ड हो, आपको ये चेंज करते रहना है, ताकि कोई भी हैकर अगर आपकी किसी भी चीज़ को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो वहाँ तक ना पहुँच सके। और याद रखिए कि आपके सारे पासवर्ड कम से कम 10 नंबर के होने चाहिए, और सिर्फ नंबर ना हो, किसी का नाम ना हो, कुछ ऐसा पासवर्ड रखिए जो आपको याद हो और कोई हैकर वहाँ तक पहुँच ना सके। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि फ़ोन नंबर पासवर्ड बना के डाल देते हैं, किसी का नाम डाल देते हैं या अपना नाम ही डाल देते हैं। लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ही ईजी रहता है। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको फ़ोन में शेयर नहीं करनी किसी भी ऐप के द्वारा, चाहे वो जॉब का ही ऐप हो, क्योंकि जॉब के ऐप में काफ़ी ही फेक लिंक्स जो हैं वो बन के आ रहे हैं कि आपको कहा जाता है कि आपको ये नौकरी मिल रही है, उस नौकरी का जगह कहाँ है वो भी फेक होता है, ये भी नहीं पता होता, उस चैनल का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, उस जॉब की नाम क्या है ये भी नहीं पता होता, लेकिन लोग उसको सबमिट कर देते हैं और उस पर पैसे मांगते हैं कि आपको 500-200 जो है आपको वो लेना है, और लोग उसमें वो दे देते हैं, और उससे क्या होता है कि उनके अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं। तो इस तरह के जो फेक लिंक्स आ रहे हैं, आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप लोग उन लिंक्स को आपको बिल्कुल भी खोलना नहीं है, चाहे वो लिंक्स गेम का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो लिंक आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं। अगर इस तरह के लिंक्स आपको आ रहे हैं और आप खोल दे रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों से बचना है। आपके पासवर्ड जो है वो पूरे 10 डिजिट के होने चाहिए, एंड नॉर्मल पासवर्ड जो है वो आपको नहीं रखने हैं। और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का OTP नंबर अगर आ रहा है, किसी भी तरह का मैसेज आ रहा है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट अपने पास बाकायदा आपके फ़ोन में रहना है, क्योंकि अगर जब CBI जांच होगी तो उन लोगों को काफ़ी ही मदद मिलेगी इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी भी OTP नंबर जो है अगर आपसे मांगा और आपने वो दे दिया, तो आपके जो पैसे हैं भारी नुकसान में, आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नुकसान ना हो, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो जो रकम है आप लोगों की, जो आप चाहते हो वो ना ज़्यादा जाए और बच जाए, तो आपको सारे स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में जो है आपको वो रखने हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। वो आपको ऐसा प्रूफ बतौर पे आपको अपने पास रखना है, जब आपसे कोई पुलिस वाले या CBI जांच जब आप करवाते हैं उस चीज़ की, तब बैंक में या CBI को आप वो दे सकते हैं, वैसे आपको वो किसी को भी नहीं देना है। और इस तरह के लिंक्स अगर आते हैं आपको गूगल पे कि आप कोई अलाउ करना है, क्लिक करना है, ओपन करना है, तो आप ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब बिल्कुल ही फेक स्कैम है जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, और इसके शिकार ज़्यादातर आज के बच्चे होते जा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाती हूँ जिनके साथ यही OTP और ये फेक लिंक का धोखेधड़ी वाला जो हादसा है जिनके साथ हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं। मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं ब्रजेश पांडे जी। आप बताइए कि आपके साथ मतलब ये OTP का जो लिंक था, जो फेक लिंक जो था, आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है कि आपके पैसे कटे हो या कुछ ऐसा हादसा? मेरे कई जानने वालों के साथ ये काम हो चुका है। एक विवेक पांडे है, उसके साथ हुआ था। उसके अकाउंट से 25,000 रुपये लगभग गायब हो गए थे। उसके जानने वाले के जो मालिक थे मेन, उनके अकाउंट से 3.5 लाख रुपये गायब हुए थे।
फेक आईडी आती है, वो बोलते हैं कि आप अपना लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर करने के बाद वो कहते हैं कि आप जो है ओटीपी आया होगा सर, आप ओटीपी बताइए। जैसे वो ओटीपी बताते हैं, उनके अकाउंट का पैसा उनके पास ट्रांसफ़र चला जाता है। और ये बहुत मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बताएंगे। क्यों प्रशासन इसको देखता नहीं है? प्रशासन वही देखता है जो हम लिख के देते हैं कंप्लेंट्स वगैरह, लेकिन कंप्लेंट्स में कुछ नहीं निकलता, सब ख़त्म हो जाता है एज इट इज़। लेकिन जिसके साथ ये गुजर रही है उसके ऊपर सोचिए क्या क्या हो रहा है। ये जो ओटीपी जो आपको आता है, ये मैसेज में आया था उनको कि उनको कॉल आया था कि ये ओटीपी बता दो? नहीं, ये उनको मैसेज आया था, मैसेज में उन्होंने फिर उसके बाद फ़ोन आया था कि आपके पास एक लिंक आया होगा, आप उसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो कॉल पे ही थे, उसके बाद उन्होंने कहा एक ओटीपी आया होगा आपके पास, वो ओटीपी आप बता दीजिए सर, जो है हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद उनका पैसा जो है ट्रांसफ़र हो गया उनके अकाउंट में, और आज तक इसका कुछ नहीं हुआ, ना पैसा मिला ना पता लगा। तो वो ओटीपी जिस चीज़ के लिए मांगा था, उन्होंने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था? उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन नहीं मिला, लेकिन अगले का जो है 25,000 रुपये चले गए। अच्छा, वो 25,000 उनके बैंक में ऑलरेडी पड़े हुए थे। वो उनकी अपनी जो सैलरी है वो पड़ी हुई थी, बल्कि ज़्यादा ही थी, लेकिन 25 ही गए। मैं कहता हूँ मेरी भाषा में बोलोगे तो गधे ने कमी खेत खाया। उसके बाद उनका सारा बंद कराया गया, सारे अपने पिंस वगैरह चेंज कराए गए, उसके बाद वो ठीक हुआ। तो देखा आपने कि किस तरह से लोग लोन के भी ऊपर फेक स्कैम जो है वो चला रहे हैं। तो आप लोगों को इसका प्रिकॉशन ज़रूर लेना है किसी भी चीज़ के लिए। आप लोग जो है अगर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो लोन है या किसी भी तरह की चीज़ है, आप उस चीज़ के स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ज़रूर रखिए, ताकि जब CBI के ऊपर जाँच की जाए, जब CBI उस चीज़ के ऊपर जाँच करेगी तो उसको काफ़ी ईजी होगा उन लोगों को ढूंढने के लिए कि आखिर स्कैम कैसे हुआ, किसने किया। इसलिए आपको ये सारे प्रूफ, चाहे वो फ़ोन नंबर हो या वो OTP नंबर हो या वो लिंक का डिस्क्रिप्शन हो, कुछ भी हो, आपको वो अपने पास ज़रूर रखना है।